तो गाइज ये अपनी TVS की राइडर, और इसको क्या, इसमें क्या है कि अपना ये डिस्पैट जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आज हम इसका करने वाले हैं डिस्पैट चेंज। तो ये गाइज आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल और इजी है। इसके लिए आपको बस ये तीन टूल चाहिए, एक ये आपकी 5 mm की एलिंग की, और ये आपका स्क्रू ड्राइवर माइनस का, और एक ये 12-13 की रिंग जो कि इन दोनों को खोलने के लिए चाहिए। तो अब मैं दिखाता हूँ इसको फटाफट से खोल के, दूसरा लगाते हैं इसमें, और बहुत ईजी और सिंपल है। इससे पहले क्या करेंगे हम ये खोल लेंगे, इसे कवर के नट हैं ये एलेंकी के, इसको फटाफट से खोल लेंगे ये, और उसके बाद ये। तो इस तरह आप अपाची का और राइडर का ऑलमोस्ट सेम है, तो आप अगर अगर आपके पास अपाची है तो आप उसका भी खोल सकते हो घर पे। तो उसके बाद इसको खोल लेंगे, ये बहुत हार्ड है, तो इसमें हम ये रिंग लगाते हैं, देखिए बहुत टाइट थी तो खुल गया है। ये एलेंकी स्क्रू है अपना, इसको खोल लेते हैं फटाफट, और इसके बाद इसका सेकंड वाले को ये हम इसको खोल लेते हैं, और ये देखो जी ये खुल गया। और गाइस इसको भी फुल टाइट है, इसको भी रिंग को ऐसे फंसाएंगे इसमें, और फटाफट इसको भी खोल लेते हैं गाइस। इसको कभी भी आप डिस्पैट अगर आप खुद से चेंज कर रहे हो अपने घर पे, तो बस खाली आपको लीवर प्रेस नहीं करना है, इसका जो फ्रंट डिस्प्रेक का जो लीवर है वो प्रेस मत कर देना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये खोल लिया है, अब फटाफट ये दोनों खोल लेते हैं, और ये भी टाइट थे काफ़ी, जल्दी इनको भी खोल लेता हूँ। गाइस अब इसको भी फटाफट मैंने खोल लिया है, और अब आपको क्या करना है, अभी खुलने के बाद ये इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लोगे तो निकल आएगा बाहर। देखो जी क्या डिस्पैट एकदम घिस चुका है, तो ये गिर गया, इसके डिस्पैट एकदम ख़त्म हो चुके हैं गाइस, ये देख सकते हो आप डिस्पैट पूरे ख़त्म है, और इसको देख सकते हो आप पूरा ख़त्म हो चुका है इसके अंदर का। ये देखो नए कुछ इस तरह होते हैं, ये समझ लो मेटल पे चल रही थी तभी इसके प्लेट भी घिस गई काफ़ी, तो इसे ही गाइस इसको टाइम टू टाइम चेंज कर देना चाहिए इसीलिए। अब इसको मैं लगाता हूँ फटाफट, और लगाने के लिए देखिए गाइस ये जो दोनों है ना ये दोनों अंदर रहने चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर इसके लीवर को प्रेस कभी मत करना जब भी इसे लगाने आ रहे हो आप। तो भाई इसको मैंने साफ़ कर लिया, और ये एकदम सिंपल इसको ऐसे खींचो बाहर आ जाता है, और इसको भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगा, या आपके पास ग्रीस हो तो ग्रीस लगा देना, और इसमें हल्का सा ऑयल लगा देना ताकि ये मूव होता रहता है अंदर बाहर जब जब ग्रीस, ये लग गया इसमें हल्का सा ऑयल, और बस अब सिंपल इसको ऐसे इंसर्ट करा देंगे, ये चला गया। अब जो हमारे पास हमारा ब्रेक पैड है पहला वाला, वो ये वाला सिंगल वाला, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये देखो ये चला गया इसके अंदर, और ये दूसरा जो है ये भी, ये जो होल वाली साइड है ये लिंकी स्क्रू आता है इसमें, और ये देखो ये ऊपर ऐसे लॉक में जाएगा, और ये चला गया ठीक है। अब क्या करना है, इसके जो लिंकी स्क्रू है इसमें आप फंसा देना गाइस, ये देखो इसमें मैंने डाल दिया इनके ब्रेक पैड, और इस ब्रेक पैड को डालने के बाद हल्का सा ऐसे अंदर को दबा देना आप, अंदर को दबाने के बाद ये इसमें घुस जाएगा, ये देखो जी। और सिंपल ये ऐसे, क्योंकि अंदर इसमें ना एक प्लेट होती है स्प्रिंग टाइप, तो ये देखो यहाँ से ऐसे इसको हल्के से दबाना, और ये भी इसके अंदर चला गया, और टाइटिंग को चाहे बाद में कर लेना। और अभी इसके अंदर थोड़ा सा गैप मेंटेन कर देते हैं, और फिर क्या होगा कि ये अपने अपनी जगह में बैठ जाएगा, देखो जी ये चला गया, कितना ईजिली हो गया। अब मैं इसको फटाफट इसमें अपने नट लगा देता हूँ ये वाला, और इसका दूसरा नट भी लगा देता हूँ, और ये लगा दिया दोनों नट इसके फटाफट लगा के टाइट कर देता हूँ, और टाइट करके फिर दिखाता हूँ। तो भाई इसको फुल टाइट कर लिया है मैंने, और दोनों को नटों का फुल टाइट कर लेना। अब फटाफट अपने ये लंकी वाले इनको भी टाइट कर लेते हैं, और देखिए सिंपल अभी पूरे अंदर चले जाएंगे जैसे पहले थे टाइट होने के बाद, ये चला गया ऊपर वाले भी कर देते हैं।
गाइस कितना सिंपल स्टेप है, और इस तरह आप खुद भी आप अपने आप कर सकते हो, और मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपने घर पे भी डिस्क पैड चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास TVS राइडर है या अपाची है या TVS की कोई भी गाड़ी है, उसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक सेम ही होता है सब में, और बहुत ईजी है। और इसको भी फुल टाइट कर देते हैं, जैसे हमने खोला था ये फुल टाइट हो गया, ये वाला भी और ये फुल टाइट हो गया दोनों। और अब इनके ये कवर चढ़ा देते हैं जैसे पहले चढ़े हुए। इसको टाइट कर देता हूँ फटाफट, फुल टाइट हो गया, और ये वाला भी चढ़ा देता हूँ। देखो जी अब गाड़ी का दिखाता हूँ मैं आपको, फ्रंट टायर घुमा के देखो फिर ही घूम रहा है।